आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडीआईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया, बायोग्राफीज ऑफ इस्लामिक इन्वेडर्स, इनकी बायोग्राफीज को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने तीन बायोग्राफी कवर की हैं, कौन कौन सी? महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद घोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये जो पूरी मेडिवियल हिस्ट्री है हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं। जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए, भारत को इन्वेड किया, भारत पे रूल किया, ये जो पूरा 600 सालों का रूल है हम पूरा इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले ये सारे लेक्चर्स, तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये चौथा लेक्चर है इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया, लेक्चर 4, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे आज हम, जिन्होंने प्रॉपर मुस्लिम रूल भारत में स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली शमशुद्दीन इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी के ही रूलर थे, और इनको स्लेव ऑफ द स्लेव बोला जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे ये और दामाद थे। तो इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली और काफी अच्छा रूल किया दोस्तों। ग्लोरियस पीरियड ऑफ दिल्ली 1236 तक, 1210 से लेके 1236 तक, ये 25 साल का पूरा इनका रूल था। लेकिन अगेन, ये हिंदुओं के प्रति इनटॉलरेंट थे, इन्होंने भी मंदिर तोड़वाए। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, अचीवमेंट्स ऑफ इल्तुतमिश देखेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिडर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज है दोस्तों, जिन्होंने भारत में रूल किया। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी है जिसको हम देख रहे हैं 1206 से 1290 तक। फिर भैया खलजी आए, अलाउद्दीन खलजी वाले, वही जिन पे मूवी बनी थी अभी, 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक 1320 से 1413, सईद्स, लोदीज, मुगल, सबको कवर करेंगे, सारी डायनेस्टीज को कवर करेंगे, इनके रूलर्स की बायोग्राफी को देखेंगे। तो अल्टीमेटली सब कुछ कवर होता चला जाएगा, तो बहुत ही डीप स्टडी हम कर रहे हैं। अब ये दोस्तों जो मैप है, ये इल्तुतमिश ने क्या पूरा, कहां तक उसका एक्सटेंट था, कौन कौन सी जगह जीत ली थी, आप देख सकते हैं मैप में। भारत है इसमें पूरा, ये आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पूरा जीत लिया था, पाकिस्तान, पंजाब, फिर यूपी को, उसके बाद बंगाल, बिहार। तो ये पूरा इल्तुतमिश के अंडर आता था। हिस्ट्री में कंसोलिडेटर और एक्सपेंशनिस्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक इंसान कंसोलिडेट करेगा, दूसरा एक्सपेंशन करेगा। तो यहां पे इल्तुतमिश ने कंसोलिडेट कर दिया था, जीत लिया था, सबको साथ में मिला लिया था, और उसके बाद बलबन ने एक्सपैंड किया। बलबन जब आया, अभी हम उसकी बायोग्राफी भी देखेंगे आगे चल के, उसने फिर एक्सपेंशन शुरू कर दिया। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमेशा मैं बताता हूं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कौन था इल्तुतमिश? तीसरा रूलर था दोस्तों मामलूक डायनेस्टी का। वैसे तो ये पहला ऐसा रूलर था, स्लेव डायनेस्टी या मुस्लिम रूलर था, जिसने प्रॉपर मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश किया। इससे पहले मोहम्मद घोरी, वो तो चला गया था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, और इल्तुतमिश का जो रूल था वो काफी सालों तक चला, और इसने प्रॉपर रूल जो है वो एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और सुल्तान की भी उपाधि ली इसने, तो ऑफिशियल सुल्तान हो गया था दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट एरा रहा है इल्तुतमिश का, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसने लाहौर से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया था, और 1236 में इसकी मृत्यु हुई थी, और इसने सब कुछ कंसोलिडेट कर लिया था। हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई, चैलेंजेस काफी थे जब इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली थी, क्योंकि जैसे ही इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली, यहां खबर आई कि कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हो गया। एक के बाद एक राज्यों ने आजादी लेना शुरू कर दिया, बोला कि अब हम आजाद हैं, हम कोई मुस्लिम रूलर के अंडर नहीं है। लेकिन इल्तुतमिश ने सबको सप्रेस किया, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो अगर इल्तुतमिश की बात करें दोस्तों, अगर इल्तुतमिश की बात करें तो हमको नहीं पता इसका जन्म कब हुआ था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि एक स्लेव था, गुलाम था दोस्तों, बहुत सारे गुलाम थे उस समय, लाखों लाखों गुलाम थे। अब यहां पे किस्मत अच्छी थी इल्तुतमिश की कि वो एक सुल्तान बन गया, हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए जो अर्ली लाइफ है वो रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि काफी हैंडसम बंदा था इल्तुतमिश, लंबा चौड़ा और काफी हैंडसम था, माता पिता बहुत प्यार करते थे, तो भाई बहन काफी जलते थे, इसके लिए इसको बेच दिया गया था। ठीक है, एक गुलाम के तौर पे इसको बेच दिया गया था।
जमालुद्दीन को, और जमालुद्दीन ने फिर इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आया ये, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत जल्द पता चल गया कि इसका स्टेचर क्या है। काफी गजब का लीडर था ये, काफी अच्छा कमांडर था, एक सोल्जर था और काफी बहादुर सोल्जर था। इवन मोहम्मद घोरी ने भी इसकी तारीफ की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके टैलेंट का पूरा फायदा उठाया। अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ था, आपको मैंने बताया था कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद 1192 में जो हुई थी, पृथ्वीराज चौहान को हार झेलनी पड़ी थी और यहां से मुस्लिम रूल जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था। मोहम्मद घोरी के बहुत सारे स्लेव थे, बहुत सारे गुलाम थे, तो अपने गुलामों को वो बच्चा समझता था और उनको भारत छोड़ गया था। तो सबसे पहले पहला जो रूलर आया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बायोग्राफी पूरी कवर्ड है, आप देख लीजिएगा। पोलो खेलते हुए, चौगन खेलते हुए घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो गई। तो 1210 में ये चैप्टर खत्म कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब यहां पे सक्सेशन किसको मिलना चाहिए, बिल्कुल सही आपने सोचा, उसके बेटे को। तो उसके बेटे को आरम शाह को सक्सेशन मिला। याद रखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के ठीक बाद आरम शाह आए थे, तो आरम शाह को उसका वो सक्सेसर था कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का वो बेटा था। 8 महीने तक आरम शाह रहा, लेकिन यहां पे इल्तुतमिश ने उसको उखाड़ फेंका बहुत ही जल्द। देखिए यहां पे जो ऑफिशियल्स थे इल्तुतमिश को सपोर्ट करते थे, ठीक है ना, तो जितने भी हाई ऑफिशियल्स थे जो टर्किश नॉवल्स थे, उन्होंने ही इल्तुतमिश को इनवाइट किया था कि आप आइए और दिल्ली में रूल करिए। अब जब ऐसा हुआ तो ये आरम शाह को बात नागवार गुजरी। आरम शाह ने रिवोल्ट किया, इल्तुतमिश से लड़ाई की, इल्तुतमिश ने आरम शाह को मार दिया और 1211 में फाइनली इल्तुतमिश का जो पूरा रूल है वो शुरू होता है। तो ये बात है। अब इसको इल्तुतमिश को खली मतलब सुल्तान की पदवी भी थी। आपको बता दूं कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया था उस समय, सुल्तान की पदवी जो है वो खलीफा से लेनी पड़ती थी। तो इसने खलीफा को रिक्वेस्ट की थी, जिन्होंने इसको सुल्तान की पदवी दी थी, तो इसीलिए इसको फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया बोला जाता है, या फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसको हम बोल सकते हैं। और 1211 में इसका रूल स्टार्ट हुआ। अब दोस्तों बहुत चैलेंजेस थे, इतना आसान नहीं था। इल्तुतमिश को एक कांटों का ताज पहनाया गया था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। शुरू में तो इसको बदायूं का गवर्नर बनाया गया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सब कुछ जीता था तो इसको बदायूं दिया गया था कि तुम बदायूं को रूल करो, तो ये गवर्नर था बदायूं का, लेकिन फिर ये दिल्ली का रूलर हो गया। अच्छा एक और बात बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भरोसा जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी खतरा था, क्योंकि 3 जनरल्स थे ना जिसके पास थ्रोन जानी थी। जब मोहम्मद घोरी ने चुनाव किया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो हर कोई शांत तो बैठेगा नहीं। तो यहां पे 3 मेन सक्सेसर थे कि कौन दिल्ली को रूल करेगा। तो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कबाचा और यालदौस। तो यहां पे जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो कबाचा और यालदौस जो सबसे पावरफुल जनरल्स थे वो उठ खड़े हुए और उन्होंने बोला कि हमको चाहिए हिंदुस्तान, कोई इल्तुतमिश नहीं। तो यहां पे दो सबसे बड़े जो दुश्मन थे इल्तुतमिश के वो कबाचा और यालदौस था। यालदौस जो कि पूरे गजनी एम्पायर, गजनी एरिया पे रूल कर रहा था अफगानिस्तान में, और कबाचा जो कि अगेन मुल्तान में था। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, इतना आसान नहीं था इसके लिए, लेकिन फिर भी इल्तुतमिश ने सबको हराया और बड़ा चालाकी से इसने काम किया, ठीक है ना। इधर राजपूतों ने भी रिवोल्ट छेड़ दिया था कि हम तो बिल्कुल भी इसकी सॉवरेनिटी नहीं मानेंगे, हम तो अपना किंगडम बनाएंगे। तो इधर जो पूरा एरिया था, राजस्थान का एरिया, यूपी का एरिया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे शहरों में इंडिपेंडेंस, आजादी घोषित हो गई थी। आप देख सकते ना कितनी सारी चीजें हो रही हैं एक साथ। देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश हुआ, 4 साल तक ही रहा। 1210 में क्या हुआ, 1210 में जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, तुरंत एक के बाद एक सारे राज्यों ने आजादी घोषित कर दी कि हम आजाद हैं, अब हम कोई मुस्लिम रूलर के अंडर नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इल्तुतमिश आया, जहां पे भी प्रॉब्लम होती थी, अगर डिप्लोमेटिकली नहीं, बातचीत से नहीं सॉल्व हो रही है, तो उठा के पूरी सेना भेज दो। तो इल्तुतमिश ने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी दोस्तों, आपको यह भी बता दूं, ये बहुत ही
टॉलरेंट पॉलिसी नहीं थी, बड़ी खतरनाक एग्रेसिव पॉलिसी थी और हिंदुओं के खिलाफ तो काफी ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी थी, तो ये भी आपको जानना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब दोस्तों एक एक करके चैलेंजेस को समझते हैं। वैसे तो चैलेंजेस की बात करें तो टोटल 7 पॉइंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है येल्डोस की सुप्रीमेसी, ठीक है। येल्डोस जो था वो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे खतरनाक दुश्मन था इल्तुतमिश का। तो येल्डोस ने ये बोला था कि इल्तुतमिश मेरे अंडर काम करेगा, वो मेरा वैसाल होगा और हिंदुस्तान पे मैं रूल करूंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। येल्डोस को वैसे भी ख्वारिज्मियन एम्पायर के जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने हरा दिया था। और यहां पे येल्डोस ने बोला कि अब हम जाएंगे पंजाब और पंजाब दिल्ली इन सबको कैप्चर करने वाले हैं। तो यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ दोस्तों। 1215 में बैटल फील्ड ऑफ तराइन में येल्डोस को हरा दिया इल्तुतमिश ने और जान से मार दिया। तो यहां पे जो येल्डोस का खतरा था वो टल गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत बड़ी चीज जो हुई, राजपूत रूलर्स खड़े हो गए। रणथंभौर, जालौर, अजमेर, ग्वालियर, यहां के सारे राजाओं ने आजादी घोषित कर दी। राजस्थान का जो पूरा एरिया है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, सेपरेटली बता देता हूं, जो चांडेल्स थे उन्होंने कालिंजर और अजयगढ़ को रिकवर कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। चौहानों के पास जोधपुर था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिहारों ने ग्वालियर, नारवाड़, झांसी को ले लिया था। यहां उत्तर प्रदेश में बदायूं हो गया, कन्नौज हो गया, बनारस, कटिहार, बरेली, फरुखाबाद एटसेट्रा, इन सबने क्या किया था, आजादी ले ली थी, एक के बाद एक सबने आजादी ले ली थी। और इधर मुस्लिमों का खतरा तो है ही है। तो यहां पे 1226 से लेकर 1236 तक ये 10 साल इल्तुतमिश ने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई इन सबके खिलाफ और एक एक करके इन सारे एरियाज को अपने कब्जे में लिया। तो ये बहुत ही मुश्किल था। अब दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा खतरा जो था मंगोल इन्वेजन का, भैया चंगेज खान, अरे बाप रे बाप, चंगेज खान का तो नाम सुनते ही हालत खराब हो जाती है। तो सबसे बड़ा खतरा जो था चंगेज खान, अब आपको पता ही है कि चंगेज खान ने सब कुछ जीत लिया था भारत को छोड़ के। अब चंगेज खान की बायोग्राफी तिमुजिन, इसका बचपन का नाम तिमुजिन था। तो चंगेज खान की बायोग्राफी मैंने पूरी कवर की है दोस्तों, पार्ट वन पार्ट टू में लेक्चर है। मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया मैंने कवर किया है और ये 100 साल जो मंगोल कोशिश करते रहे कि भारत को इन्वेड कर दे और असफल रहे, हमेशा असफल रहे। पहले तो इल्तुतमिश ने रोका, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रोका, तो ये हमेशा असफल रहे, वो सब मैंने कवर किया है दोस्तों, देख लीजिएगा। लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चंगेज खान की बायोग्राफी तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो चंगेज खान इधर अपने बिल्कुल पीक पे था। चंगेज खान से तो कोई भी पंगा लेता था वो तो उस इंसान को तो मारता ही था, उस राजा को तो मारता ही था, साथ ही साथ पूरे शहर को बर्बाद कर देता था, ऐसा कत्लेआम मचाता था कि क्या बताए। तो चंगेज खान बड़ा ही खतरनाक रूलर था। ऑन दी अदर हैंड चंगेज खान एक बहुत ही टॉलरेंट रूलर था। चंगेज खान के रीन में आपको बहुत सारे धर्म मिलेंगे, तो ये भी आपको जानना है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, अब इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये मैंने पूरा कवर किया है। तो दोस्तों चंगेज खान की क्या कहानी है, देखिए, जलालुद्दीन बरनी, मंग बरनी, जो कि उस समय ख्वारिज्मीन एम्पायर के लास्ट रूलर थे, ठीक है, वो क्या बोले कि यहां पर चंगेज खान ने उनको न्योता भेजा कि हमारे साथ, मतलब तुम हमारे अंडर काम करो, हमारे साथ काम करो, ठीक है, बातचीत से मामला हल हो जाता। तो जिस मैसेंजर को भेजा था चंगेज खान ने, जलालुद्दीन उसका सर काट के वापस चंगेज खान को भेज दिया कि ये लो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, ये लो दोस्ती। तो यहां पे चंगेज खान का मूड खराब हुआ। 1221 की बात है, उसने पूरे ख्वारिज्मियन अंपायर को निस्तना नाबूद कर दिया, एक एक को मार दिया, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबको बहुत मारा दोस्तों, कत्ले आम मचा दिया, ठीक है। चंगेज खान ने बहुत मूड खराब हो गया था। यहां पे जलालुद्दीन मंग बरनी भाग खड़े हुए, बहुत तेज भागे, है ना, इतना ज्यादा भागे, वो बहुत एकदम भाग खड़े हुए, समझ लीजिए सच में भागे, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वो भागे वहां से अपनी जान बचा के, नदी में कूद गए, इंडस नदी, सिंधु नदी में कूद गए। अब इधर सिंधु नदी में कूदे, इस साइड भारत है, ठीक है, चंगेज खान एक साइड पे खड़ा था। चंगेज खान को लगा कि ये नदी पार ही नहीं कर पाएगा क्योंकि नदी उफान पे थी, ठीक है ना, लेकिन जलालुद्दीन ने, मंग बरनी ने पार कर ली उसे, इस पूरी नदी को पार करके भाग के भारत आया वो, ठीक है, पाकिस्तान साइड में, जो कि इस समय पाकिस्तान है, ठीक है, वहां पे था वो।
तो वहां पे ये जलालुद्दीन मांगबर्री ने ये मांग की इल्तुतमिश से कि भैया हमको जो है रहने की जगह दे दो, दोस्ती कर लो, मिलके चंगेज खान को हराएंगे। अब इल्तुतमिश इतना ज्यादा बुद्धिमान था, उसको पता था कि चंगेज खान के सामने तो हम टिक सकते ही नहीं है, ठीक है, भारत तो छोड़िए बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहां पे सीधा मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया जलालुद्दीन मंगबरनी को कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे और आपको पनाह नहीं देने वाले हैं। तो जलालुद्दीन मंगबरनी फिर भारत आ नहीं पाया, क्योंकि यहां पे चंगेज खान के साफ ऑर्डर थे, इल्तुतमिश को बोल दिया था कि कुछ भी हो बेटा, जलालुद्दीन मांगबरनी को अगर तुमने जगह दी तो तुम तो वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में तुम भी जाओगे। तो इस डर के कारण इल्तुतमिश ने बिल्कुल भी ये बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे और आपको हम यहां पे पना नहीं दे सकते। तो यहां पे क्या हुआ, जलालुद्दीन जो है वो चला गया मुल्तान, यहां पे भारत में तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो उसने जो आउटर एरिया है इंडिया के, आउटर एरिया थे मुल्तान, जहां पे इल्तुतमिश का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन कबाचा था, वहां पे चला गया, मुल्तान को हरा दिया, मतलब कबाचा को हराया और प्रॉब्लम खड़ी कर दी कबाचा के लिए। तो यहां पे कबाचा भी हार गया और बाद में इल्तुतमिश ने भी कबाचा को हरा दिया, और कबाचा ने सिंधु नदी में ही कूद के अपनी जान दे दी थी, वो डूब गया था। तो यहां पे दो चीजें हुई, एक तो दिल्ली बच गया, मंगोल ने इन्वेड नहीं किया, दूसरा कबाचा भी हार गया। तो यहां पे इल्तुतमिश के याल दोस्त और कबाचा दोनों दुश्मन ही साइड में हो गए, और आसानी से ये जो मुल्तान और ये सब का एरिया था ना, ये इल्तुतमिश के पास आ गया। तो ये बहुत ही बढ़िया बात हुई, है कि नहीं? तो ये भी देख सकते हैं, देख रहे हैं ना कितने बुद्धिमानी से उसने सूझबूझ से ये सारी चीजें ली। तीसरी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी इल्तुतमिश की, बंगाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, बंगाल में भी जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई, बंगाल में क्या बोला, हम आजाद हैं, अब हम बिल्कुल आजाद हैं। तो वहां पे आजादी की एक लहर दौड़ गई, और उस समय जो वहां के रूलर थे घियासुद्दीन, सुल्तान घियासुद्दीन, सुल्तान घियासुद्दीन ने पहले तो बोल दिया कि हम आजाद है, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश ने पूरी आर्मी को भेजना शुरू किया तो घियासुद्दीन ने बोला नहीं नहीं माफ कर दो सरकार, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपके अंडर ही काम करेंगे। तो घियासुद्दीन ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके बहुत जल्द बाद घियासुद्दीन ने फिर बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे और हम दोबारा लड़ेंगे और बंगाल आजाद है। तो तुरंत बाद ही घियासुद्दीन ने रिवोल्ट कर दिया, और उसके बाद इल्तुतमिश ने फिर अपनी पूरी सेना भेजी, घियासुद्दीन को हरा दिया गया, बंगाल बिहार भी इल्तुतमिश के पास आ गया। ये सब 1229 और 1230 में हुआ था, और अपने सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन मोहम्मद को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया, लेकिन नासिरुद्दीन मोहम्मद की भी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1229 में। इल्तुतमिश की मौत के बाद कोई बहुत बड़ा सक्सेसर नहीं था, चार बेटे थे इल्तुतमिश के, और उनमें से एक भी एफिशिएंट रूलर नहीं था जो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, जो सबसे बड़ा बेटा था वो मर गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहां पे बंगाल भी आ गया इल्तुतमिश के पास, बंगाल बिहार नॉर्थ ईस्टर्न भी इल्तुतमिश के पास आ गया, तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई। देख रहे ना कंसोलिडेशन पूरा का पूरा चल रहा है। फिर इधर जो राजपूत स्टेट्स ने आजादी घोषित की थी, आजादी ली थी, उसको भी बहुत ही जल्द इल्तुतमिश ने एक के बाद एक जीतना शुरू कर दिया। ये 1226 से लेकर इसकी मौत तक ही चला, ठीक है, 1236 तक। तो 10 साल में इल्तुतमिश ने राजपूत किंगडम जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल बिहार के रीजन को अपने साथ में ले लिया। अब आपको मैप समझ में आ जाएगा दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं भैया ये जो इल्तुतमिश का ये पूरा इसने इतना ये जो रीजन है ये सब कुछ ऑक्यूपाई कर लिया था, तो भारत का काफी हिस्सा इसने ऑक्यूपाई कर लिया था। इसीलिए बोलते हैं जो फर्स्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम रूल था ना वो तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीजें थी। अब दोस्तों कहाँ था मैं, अच्छा ठीक है यहाँ था, ठीक है। अब दोस्तों ये हमने चैलेंजेस की बात की, तो इसके बाद दोस्तों इसने सारी चीजें की। 1235 में इल्तुतमिश बीमार पड़ गया, बहुत देखिए इल्तुतमिश का जो पूरा जीवन था, जो 25 साल का जो पूरा रूल था, इसने लड़ाई में ही गवाया है। एक अगर चीज को सप्रेस करता तो दूसरी चीज खड़ी हो जाती, और स्पेशली ये पाकिस्तान साइड नॉर्थ वेस्ट में, तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वहां तो हमेशा लड़ा, ठीक है। पहले इसने मंगोल्स को रोकने की, मतलब मंगोल्स को रोका, उसके बाद इसने कबाचा से लड़ाई करी 1228 में जो पूरा हुआ, एक बार कबाचा ऑलरेडी हार चुका था, अभी मैंने बताया था ना वो पूरा जलालुद्दीन ने उसको हरा दिया था, और दूसरी बार इल्तुतमिश ने फुल एंड फाइनल उसका एंड कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई। तो ये जो लड़ाई के चक्कर में इल्तुतमिश की सेहत खराब होती गई, और 1235 में इल्तुतमिश बीमार पड़ा, और 1236 में, मई 1236 में इसका
देहांत हो गया। तो यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त रूलर था, ठीक है, खो दिया। अब इल्तुतमिश की बात करें दोस्तों, तो हाँ हिंदुओं के प्रति काफी इंटॉलरेंट था, मंदिर भी तोड़वाए, जी हाँ मंदिर भी तोड़वाए। और इल्तुतमिश की अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें दोस्तों, तो यहां पे इसने मस्जिद बनाया, कुतुब मीनार का जो पूरा कंस्ट्रक्शन था उसको पूरा करवाया, दिल्ली को बड़ा खूबसूरत बना दिया था दोस्तों, बड़ा ही, दिल्ली की खूबसूरती दूर दूर तक फेमस थी, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो कि बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाता है कि तुर्काने चहलगंज या चहलगानी ये किसने स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट की थी इल्तुतमिश ने। ये ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स थे, 40 स्लेव्स थे। इल्तुतमिश किसी दूसरे नोबल्स पे भरोसा नहीं करता था, ठीक है ना, जो कुतुबी और मुइज़्ज़ी नोबल्स थे उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, उनको पता था कि ये सब हमको धोखा देंगे। आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, देखिए जो मोनार्की है आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन है, उस समय के राजा, जो उस समय के राजा थे ना वो आज के एक तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ठीक है। नोबल्स कौन होते हैं, उस समय के नोबल्स मतलब आज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब आप समझे, तो इस समय जो आईएएस आईपीएस जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, उस समय जो नोबल्स थे वो राजा को एडवाइस करते थे। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया है। तो नोबल्स पे ये भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता था, कब तख्ता पलट कर दें, किसको इनवाइट कर ले नहीं पता था, तो इसने अपने ही नोबल्स बना लिए थे। इसने तुर्काने चहलगानी 40 40 स्लेव्स जिसने जिन जिनको इल्तुतमिश ने खुद चुना था कि ये मेरे अंडर काम करेंगे, और ये पूरी तरीके से इल्तुतमिश पे डिपेंडेंट थे क्योंकि इल्तुतमिश ने ही तो इनको बनाया था ना, तो पूरी तरीके से एकदम मतलब तन मन धन से ये इल्तुतमिश की सेवा करते थे। तो इनको तुर्काने चहलगानी बोला गया, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स यानी कि 40 नोबल्स। इल्तुतमिश ने 1229 में यह भी रिक्वेस्ट की थी बगदाद के खलीफा से कि मुझे सुल्तान की पदवी दे दो, तो उसने मान लिया और उसको सुल्तान की पदवी मिली, तो इल्तुतमिश सुल्तान बन गए भैया। तो फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, ऑफिशियली दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश से स्टार्ट हो गई, और ये सब 1229 में हुआ। दूसरी चीज, इल्तुतमिश ने अपनी करेंसी स्टार्ट कर दी थी, एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रूल, और एक ये जो चीज है खुद की करेंसी स्टार्ट करना, ये साबित करती है कि आप बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और आपका जो किंगडम है वो एस्टैब्लिश हो गया क्योंकि करेंसी स्टार्ट कर दी, मतलब आपने पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो यहां पे इल्तुतमिश ने अपनी करेंसी स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तंका और जित्तल, तो याद रखिएगा, तंका सिल्वर कॉइन्स, जित्तल 0.25 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, मतलब ये जो जित्तल है ये कॉपर कॉइन था, ठीक है, तंका जो है वो सिल्वर कॉइन था पूरा प्योर सिल्वर, और जित्तल जो है ना वो कॉपर कॉइन था, और जित्तल जो है ना वो एक तरीके से फाउंडेशन था, जो आज भारत की करेंसी चलती है ना जित्तल उसका फाउंडेशन है, तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने अपनी करेंसी जो है वो स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी, तंका और जित्तल, तंका सिल्वर और जित्तल कॉपर, ये चीज याद रखनी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हौस शामसी भी बनवाया था दोस्तों, आपको बता दूं मेहरौली, दिल्ली में मेहरौली के पास जो हौस शामसी है ना वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुब मीनार का जो पूरा और मतलब जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है वो यहां पे इसने पूरा करवाया था दोस्तों, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये चीज ही। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था एक तरीके से, हालांकि ये बहुत सालों से चलता आ रहा था। ये क्या था, ये दोस्तों फ्यूडलिस्ट सिस्टम था भैया, लैंड ग्रांट सिस्टम, ठीक है ना, चार तरीके के इक्ताज होते थे और इसी को पूरा इक्तादारी सिस्टम बोला गया, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ये एक इंस्टीट्यूशन बन गया था, आपको बताते हैं काम कैसे करता था, ये एक तरीके का एग्रेरियन सिस्टम था, ठीक है ना, ये कृषि का पूरा सिस्टम था। तो यहां पे जो जमीनें थी वो दी जाती थी सोल्जर्स को, नोबल्स को, बड़े बड़े गवर्नर्स को, दो तरीके के इक्ताज होते थे, एक होते थे स्मॉल इक्ताज और दूसरे होते थे लार्ज इक्ताज, ठीक है ना। तो ये जो इक्ताज होते थे, ये जो लैंड होते थे, जो जमीनें होती थी, छोटी जमीनें और बड़ी जमीनें, जो लार्ज इक्ताज है वो तो बहुत बड़े बड़े लोगों को दिए जाते थे, जैसे गवर्नर्स हो गए, बहुत मिलिट्री लीडर्स हो गए, और जो छोटे इक्ताज थे, स्मॉल इक्ताज थे, वो सोल्जर्स को दिए जाते थे जो छोटे पद पे होते थे, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। अब यहां पे जो इक्ताज में पूरा
ये सब जो चीजें होती थी, ठीक है, यहाँ पे जो भी पैसा आता था वो कल्टीवेटर्स से आता था, मतलब यहाँ पे जो भी किसान थे वो कल्टीवेट करते थे, जो लोग इन लैंड्स पे काम करते थे, तो जो सोल्जर्स हैं जिनके पास इक्ताज होते थे, जो गवर्नर्स हैं जिनके पास इक्ताज होते थे, वो सारा का सारा पैसा यहीं से ही आता था, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों एक चीज इसमें और है, चार तरीके के इक्ताज होते थे, इसी को पूरा इक्तादारी सिस्टम बोला जाता था। एक वो इक्ताज, वो लैंड, वो जमीन जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए दिया जाता था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिया जाता था, सोल्जर्स को दिया जाता था, मिलिट्री लीडर्स को दिया जाता था, इनको मिलिट्री ग्रांट्स बोला जाता था। दूसरे तरीके के इक्ताज होते थे जिनसे रेवेन्यूज कलेक्ट किया जाता था कि खेती करेंगे और उनसे हम रेवेन्यू लेंगे, ठीक है, उनसे हम टैक्स लेंगे। तीसरे चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है, मस्जिद बनाना है और कोई भी चैरिटेबल काम करना है तो उसके लिए भी लैंड ग्रांट्स होते थे, इक्ताज दिया जाता था। और चौथा स्टाइपेंड, सैलरी बेसिस पे। आपको बता दूं वैसे तो जब इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया तो सैलरी बेसिस पे इक्ताज होता था, ठीक है ना, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने तो हेरिडिटी कर दी कि इक्ताज तो मतलब जिसके पास इक्ता है, जिसके पास जमीन है, उसका बेटा होगा उसको भी यही जमीन मिलेगी। तो ये बहुत ही खतरनाक इसने रूप ले लिया था और बाद में यही पूरा सिस्टम जो था, ये जो पूरा फ्यूडल सिस्टम है ना, इसने दोस्तों पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया था। फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या, लैंड ग्रांट्स। अब दोस्तों जमीनों का ग्रांट ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है, जितने भी युद्ध हुए हैं वो जमीन की ही वजह से तो हुए और आज भी जमीन की ही वजह से युद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री में भैया जमीनें बट रही है सबको, तो आप सोच ही सकते हैं कितना खतरनाक हो गया था। तो ये सारी चीजें था, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। वैसे दोस्तों काफी बड़े टॉपिक है लेकिन फिलहाल आपको इतना ही समझना है, ठीक है। और खराज देखिए, ये इक्ताज तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था और खराज जो था वो लैंड रेवेन्यू होता था, जो इस पर रेवेन्यू दिया जाता था। इक्ताज पे जो रेवेन्यू मिलता था, जो टैक्स मिलता था, जो डायरेक्ट सुल्तान को जाता था, उसको कहते थे खराज। तो ये सारी चीजें थी, ये सब कुछ इल्तुतमिश ने की। अब जैसा कि मैंने बताया कि इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे, अगला सक्सेसर चुनना था, इल्तुतमिश बीमार था, तो जब वो बेड पे था और लेटा हुआ था, बड़ा ही एकदम दर्द से करा रहा था, तब उसने बोला था कि मेरी बेटी रजिया सुल्तान अगली सुल्तान होगी दिल्ली की, मतलब रजिया उनकी बेटी, रजिया सुल्तान तो बाद में लगा, सुल्तान तो बाद में लगा, तो मेरी जो बेटी है रजिया वो दिल्ली को रूल करेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो नोबेल थे इल्तुतमिश के, उन्होंने बोला कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया इनको। उसके बाद फिर जो बड़े बेटे उनके, और बड़े बेटे नासिरुद्दीन के बाद जो जिनका नंबर था रुकनुद्दीन, फिर उसको थ्रोन गई, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ रजिया सुल्तान के पास ही आया, जो कि फर्स्ट फीमेल सुल्तान बनी, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे जब लेक्चर 5 को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगली बायोग्राफी हम रजिया सुल्तान की देखने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, इसको जरूर शेयर करिए। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा मैं अगले लेक्चर के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।